नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे एल्कीन का आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे थे, तो उसे आईयूपीएसी नाम की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, उसके सूत्र पढ़े थे, उसका सूत्र पढ़ लिया था, संतर्भ होता है, असंतर्भ होता है, ये विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। अगर वो आपको छह सात उसकी विशेषताएं थी, इसके जो गुण थे, अगर आपको अच्छी तरह याद है तो आप इनका एल्कीन का नाम आसानी से लिख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप जो अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर प्रश्न में आप इसको अगर रफ कॉपी में लिख रहे हैं या लिखने की प्रैक्टिस करें उदाहरणों को, क्योंकि जो केमिस्ट्री है जिसको आप जितना लिखेंगे उतनी आपको अच्छी तरह याद होगी, आपकी पकड़ अच्छी तरह हो जाएगी, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की समस्या क्या होती है कि उसकी जो केमिस्ट्री है वो वीक रहता है, उसमें नंबर, हाँ केमिस्ट्री में नंबर लेना भी आसान है, अगर समझ में आ जाती है तो नंबर उसकी तुरंत आते हैं, उन केमिस्ट्री के आंसर आते हैं सिर्फ एक एक लाइन के आंसर आते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है एक लाइन का आंसर है आपका, अगर केमिस्ट्री से आती है तो प्लस में आपका टाइम भी बचता है, अगर आपको ये नहीं आती है तो आपकी बात करते हैं परसेंटेज भी डाउन होती है, इसमें वो तुक्की वाला काम चलता है, किसी तुक्का लगा दिया अगर तुक्का चल जाएगा, इसमें तुक्का नहीं चलेगा, इसमें अगर आपने पूरी कक्षाएं देखी है अच्छी तरह बारीकी से तो आपके इसमें नंबर आने की चांस बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे कहना ये है कि आप जो भी क्लास ले रहे हैं उसके बाद रेगुलर लीजिए, तो समय चल रहा है इसका आप सदुपयोग कीजिए, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, जो एल्कीन का आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे थे तो कुछ उदाहरण बात करेंगे, क्योंकि उदाहरण पढ़ेंगे जितने आप उदाहरण पढ़ेंगे इसकी, जितने आप उदाहरण पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आईयूपीएसी नाम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बस नियम तो छह सात नियम है, उन पे आधारित है, उसमें क्या करेंगे बार बार कोई प्रतिशत भी चेंज करेंगे या कभी कभार इसमें बद भी चेंज करेंगे, जितने चेंज करेंगे तो आपको जो समस्या होगी समस्या को यहाँ पर हम लेके चलते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है आईयूपीएसी नाम में किस तरह ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत जो नीचे टिप्पणी होती है, हिंदी मीडियम है जिसकी यूट्यूब, वहां पे टिप्पणी लिखा होगा और उसकी कमेंट लिखा होगा, वहां पे कमेंट भी लिखिए आप, ठीक है, किस तरह ये समस्या आ रही है। देखो इधर एल्कीन क्या होता है आपका, अब सूत्र आपको तुरंत याद होना चाहिए, होता है तुरंत आप लिख दोगे सूत्र जो होता है एल्कीन का, हाँ आई यू पी ए सी। अब यहां पर देखिए आईपीसी फिल्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या होता है इसका आईपीसी नेम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, तो हम उदाहरणों की बात कर रहे थे, जितने आप उदाहरण करेंगे उतना ही आपका आईपीसी नाम स्ट्रॉन्ग होगा, तो उदाहरण हम करते हैं यहाँ पर, देखो इधर CH3 कार्बन आपका ये कार्बन, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और यहाँ पर लगा दिया आपने Br लगा दिया, ठीक है। अब इसको बनाना, क्योंकि आपकी तो वहां पे एग्जाम में बना बनाया आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बना, तो इसको क्या बनाना है, ईन बनाना है, तो ईन बनाना है, कहीं ना कहीं पर आपको डबल बॉन्ड चिपकाना पड़ेगा, तो आप डबल बॉन्ड अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चिपका सकते हैं, कोई इसमें पाबंद नहीं है, पर देखना पड़ेगा कि कहीं पर, कि कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका प्रतिष्ठा है, तो अब ये बात तो फिक्स हो गई कि इन दोनों के पास तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे सीएल कर दिया, क्या कर दिया मैंने सीएल, तो अब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आने की चांस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो इस कार्बन की वैलेंस कितनी देगी, 1 2 3 4 5 कितनी देगी, 5 हो जाएगी, तो कार्बन की 5 वैलेंस तो होती नहीं, 4 होती है वैलेंस, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस प्रकार अगर छोटी छोटी गलती को, अगर जैसी छोटी छोटी बात को लेके चलेंगे तो आपका अभी से बेस तैयार होता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि जो आपका 9th 10th होती है, वैसे आपकी जैसे जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए आप साइंस में कोई स्पेशल, जैसे आपकी किसी नीट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी से की, जैसे मान लीजिए किसी मेडिकल लाइन की तैयारी हो आपकी, तो आधार तो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपका,
आधार तो साइंस का 9 से अपन बच्चे क्या करते हैं इयोन पे जाके कुछ समझते हैं यार। अब आधार तो 9 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में 10th है, उसके बाद में फिर आपको अगर आप जिस नीट की तैयारी करते हैं वही बातें आपको 9th वाले भी पढ़नी पड़ती है। इस चीज से कि आप अभी से इन बातों को लेकर चलेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब बाद में आप कहीं जब नीट की ये बातें आपको नहीं बताएंगे बार बार, क्योंकि नॉर्मल हो जाती है आपको बेसिक बेसिक होता है 9th 10th एक बेसिक होता है, और जिस बंदे का बेसिक क्लियर होता है तो वो अच्छी तरह अपना जो भी है अपने लक्ष्य को जल्दी पा लेता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर तो फिक्स है कि यहाँ पर डबल बंद नहीं आ सकता, तो यहाँ पर सिंगल बंद आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका एच थ्री आएगा, यहाँ पर आपका सिंगल बंद आएगा। हाँ जी, तो मैंने चलो यहाँ पर क्या लगा लिया डबल बंद लगा लिया, देखो इसकी वजह से 1 2 3 अब यहाँ पर क्या आएगा आपका एच आएगा, यहाँ पर कितनी हो गई 4 हो गई इसमें, और यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें, और यहाँ पर आएगा आपका एच टू आएगा, और कोई दिक्कत इसमें। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट है। अब क्या करना है, वही परंपरा बनती है बार बार, हमें क्या करना है कि वही सबसे पहले क्या करना है लंबी कार्बन श्रृंखला चेंज करेंगे। ठीक है, वही 7 बातें यूज होती है बार बार इसमें, तो लंबी तो कौन सी बन रही है इसमें, ये एक ही बन रही है, कौन सी बन रही है आपकी, उसके बाद जो भी विस्तार होगा कहलाएगा आपका प्रतिस्थापन कहलाएगा। हाँ जी, अब ये कहती है कि ई ने कहती है कि अंकन में सबसे पहले प्राथमिकता डबल बंद को दी जाती है। ठीक है, ये नहीं कि आप सर यहाँ पे अगर ब्रोमोन की दृष्टि अंकन इसको नहीं, इस बात का ध्यान रखना है कि ई में सबसे पहले प्राथमिकता डबल बंद को दी जाएगी, डबल बंद को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो देखो जैसे 1 2 3 1 2 3 ले भाई, फिर समस्या पैदा होगी कि सर दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं, दोनों तरफ से समान अंक मिलने तो क्या करेंगे। तो इस समस्या का समाधान है कि जब दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं, तो कल मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया कि जब दोनों तरफ से आपकी दूरियां समान होती हैं, तो फिर हम देखते हैं किस रास्ते में टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि इस वाले को हमने अब इस डबल बंद को दर्शी कर कोई बात नहीं, अब देखते हैं प्रतिस्थापी को देखते हैं, अब उस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो देखिए हम 1 2 इधर तो आपका सी है, इसको 2 मिल रहा है, 1 2 3 अब हमें इस बिया को कम से कम, क्योंकि ब्रोमो है तो डी आता है इंग्लिश में, ठीक है, तो ब्रोमो को कम से कम अंक मिलने चाहिए। इधर देखिए हम 1 2 3 4 1 2 3 तो ये बात तो फिक्स की अंकन सर हम इधर से करेंगे, तो अंकन आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 और अंकन में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी अंकन में, इस प्रकार आप बार बार करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अंकन करने के बाद क्या करते हैं, हाँ जी नाम लिख दी, तो नाम लिखने की परंपरा है कि सबसे पहले तो आईपीसी का नाम उसका प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा प्रतिस्थापी का ही नाम लिखा जाएगा, ये बात उसकी फिक्स है। तो प्रतिस्थापी पहले कौन सा आएगा, तो इससे पहले ब्रोमो आएगा, तो ब्रोमो कहां पर है, तो ब्रोमो ब्रोमो अपने स्थान पर कहां पे, ब्रोमो आएगा आपका 3 और ये हाइपन, ये कोई बताने की आवश्यकता है कि बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि पिछली बार देखिए हाइपन क्योंकि अंक और शब्द में दिया आता है हाइपन आता है, तो यहाँ पे 3 हाइपन, उसके बाद में आपका हाँ सर 3 हाइपन क्या आपका ब्रोमो, 3 हाइपन ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 हाइपन तो ब्रोमो का कंप्लीट, अब क्लोरो तो यहाँ पर आएगा आपका हाइपन, कितने पे है हाइपन, तो यहाँ पे 5 पे, और ये आपका कोमा 5 और हाइपन, उसके बाद क्या आएगा आपका डाई क्या आएगा, क्योंकि 2 हैं तो डाई करनी पड़ेगी, इसके क्लोरो के कर्णवलिया में डाई करनी पड़ेगी, डाई और आपका ये क्लोरो सॉरी, ठीक है क्या आएगा आपका क्लोरो, ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में प्रतिस्थापी का काम कंप्लीट, जब प्रतिस्थापी का काम कंप्लीट, आधार क्या है इसका कितने हैं 1 2 3 4 5 6 को क्या कहते हैं हेक्स कहते हैं, तो यहां पर आएगा छह को कहेंगे आपका हेक्स, और यह रहेगा उसके बाद में हेक्स, और यहाँ पे कितने पेन हो जाए उसको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 और आपका ये 3, और वो दिक्कत इसमें कोई समस्या है कुछ नाम नहीं, और देखो उसके बाद में उदाहरण संरचना बनाना चाहते हो, ये इसकी संरचना है ध्यान रखना, ये संरचना सूत्र है, मैं आपको 2 क्वेश्चन साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्या आपका
ये इसका आई यू पी ए सी नेम है, क्या आपका आई यू पी सी नेम, ठीक है, उनको दिक्कत। इसकी वापस संरचना बनाई, इस प्रकार बनाई, ये देख लो जब संरचना बनाते हैक्स है, क्या आपका हैक्स कितने का, एक दो तीन चार पांच और ये छह, बोलो। अब तीन के तो तीसरे भी इन आएगा, ये तीसरे भी इन आ जाएगा, उसके बाद में क्या है अंक जैसे करो एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, उसके बाद में तीन भी क्या है ब्रोमो, तो तीन के आपने क्या चिपका दिया बी आर चिपका दिया, उसके बाद में आप घबरा मत जाना, ब्रोमो का आप यहाँ पर भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आप जब जानते पढ़ते हो उसमें थोड़ी बहुत क्या होती है एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में क्या फाइव फाइव पे क्या आपका डाइक्लोरो, तो यहाँ पर सी एल और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या फाइव पे फाइव पर है ना, तो फाइव पर तो आएगा आपके यहाँ पर रहेगा फाइव पे आपका सी एल और यहाँ पर आपका सी एल, अब जिसका आपने जितनी कम है तो यहाँ पे इसके एच चिपका दो, ठीक है, यहाँ पर एच चिपका दो, यहाँ पर रहेगा आपका एच थ्री आएगा, उसके बाद में यहाँ पर यह रहेगा यहाँ पे एच टू आएगा, यहाँ पर आपका एच थ्री, बोलोगे दिखा इसमें, ये इसकी फिर आप संरचना प्रकार बना सकते हैं। और देखो उसके बारे में उदाहरण की बात करते हैं, और उदाहरण देखो जितने उदाहरण करेंगे उतना ही आपका यूपीएससी नाम स्ट्रॉन्ग होगा, देखो जब कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और उसके बाद में देखिए आपने, और यहां पर रहेगा आपका डबल बंद चिपका दिया, यहाँ पर आपका मैंने एन ओ टू नाइट्रो, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर चिपका दिया मैंने एन ओ टू, अगर आपको मान लीजिए आईपीसी नाम आपको विश्वास होगा किस तरह हम तो कर सकते हैं, तो आप भी समझता मानो इस प्रकार आईपीसी नाम लिखो, ठीक है, कोई अपना मित्र है या कोई सह पार्टी है उसे अपनी व्हाट्सएप पर उसे भेजवा, ठीक है, क्योंकि आपने सीख लिया इस बात को तो आप उसे इस संरचना बना के भेजवा, ठीक है, तो आप सीख जाएंगे पीछे आप सिखाइए तो आपको जिनके निकम लंबे समय तक आपको याद है हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे क्या चिपका दिया नाइट्रो चिपका दिया एनओ चिपका दिया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे चिपका दिया मैंने सीएल चिपका दिया, ध्यान रखना ये कार्बन ही ये आपका क्लोरीन है जिसका एटम नंबर होता है 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 17 होता है, कभी कभार विद्यार्थी क्या होते हैं इसको भी क्या मान लेते हैं कार्बन मान लेते हैं, ये कार्बन नहीं है इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक आपका ये भी होता है कैल्शियम, ये भी कार्बन नहीं है, ये आपका कैल्शियम एटम होता है, कैल्शियम एलिमेंट होता है, तो इसका बात करते हैं 20 का परमाणु एटम होता है। तो अब देखो उसके बाद इसका नाम लिखूं, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी यहाँ पर आपका एच टू रहेगा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट हो रही है, और इसकी हो जाएगी आपकी यहाँ पर थोड़ा एक और चिपका दिया मैंने सी एल चिपका दिया, और यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया आपका एनओ चिपका दिया, ठीक है, इसका नाम लिखिए बोलो इतना बड़ा बड़ा कि जितना बड़ा उतना ही इसका नाम सरल हो जाएगा, जितना बड़ा है उतना ही नाम क्या होता है सरल हो जाता है। देखिए सबसे पहले श्रृंखला क्या करते हैं चुनाव करते हैं, आपकी श्रृंखला बनी है, उसके बाद अंकन, हाँ जी अंकन इधर से द्वारा इधर से वही समस्या, तो उस प्रतिस्था की कम से कम इधर से नाइट्रो इधर से करेंगे तो उस नाइट्रो इधर से मान मिल रहा है इधर से मान मिल रहा है, तो अब सर समस्या फिर क्योंकि तो ये तो एन है, एन तो बाद में आता है फिर सी आता है, तो अंक यहाँ से होगा क्योंकि सी को कम से कम अंक मिलना चाहिए, क्लोरो को कम क्योंकि इसको कम से कम अंक मिलेगा, तो यहाँ पे एक दो तीन और आपके चार, उसका नाम चिपका दो, तो नाम चिपकाएंगे तो क्या होगा सबसे पहले उस प्रतिस्थापी का जो अंक जीवन पहले आता है, तो यहाँ पर आएगा आपका देखिए यहाँ पर बात करते हैं जिसका नाम होगा वन, और आपके कितने पे टू पे हैं जो दो पर भी है वन टू, उसके बाद हाइपन डाई क्लोरो वन टू डाई क्लोरो, चलो क्लोरो का काम कंप्लीट, ठीक है कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार आपका फिर किसका आएगा नाइट्रो, तो देखो वन वन पे इसमें वन कोमा वन दो पे रहेगा, उसके बाद कितने हैं थ्री, उसके बाद में क्या आपका फोर, ठीक है, अब देखो ये कितने हैं ये बताना पड़ेगा, चार नाइट्रो की करेंगे टेट्रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको टेट्रा, वो याद रखना चाहिए, यहाँ रहेगा आपका टेट्रा टेट्रा, और उसके बाद में क्या आपका टेट्रा नाइट्रो, और उसके बाद में क्या आपका टेट्रा नाइट्रो के बाद में क्या बन रहा है आपको नहीं है, उसके
बाद कितने काट लें, एक दो तीन चार, चार के करें ब्यूट, मिलेगा आपका ब्यूट। उसके बाद में कितने पे हैं, टू पे हैं, देखो टू पे क्या आपका यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पर आएगा आपका दो और आपका इन, और ये रहेगा आपका इन। और कोई दिक्कत नाम में, कुछ समस्या आ रही है, इस प्रकार आप नाम आईयूपीएससी नाम चिपका सकते हैं, कोई समस्या तो आप इन्हें पूछिए, ठीक है। अब देखो कि अगर हर्षवर्धन हर्षवर्धन क्यों आपके वापस क्या कहेंगे, इसमें आपका यूट चार कार्ड में लिखना है, अंक इतना से करो, इसमें दो पेन चिपकाना है, नाइट्रोल आप किस प्रकार कर सकते हैं, इसका ये पिछले नाम और इसके हैं ये संरचना है। अब देखो उसके बाद भी कि अगर मान लीजिए कि अगर श्रृंखला के अंदर डबल बंद, दो डबल बंद आ जाए, जैसे आप ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, तो यहां पर भी डबल बंद आ गया, यहां पर भी आपका डबल बंद आ गया, ठीक है। और यहां पर देखिए तो यहां पर आपका एच टू है, और यहां पर आपका सी एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यह रहेगा, और यहाँ पर आपका कितनी चार हो गई इसकी, यहाँ पर आपका एच है, यहाँ पर आपका एच टू है, तो इसका एक भी नाम लिखो। तो अंकन किधर से करें, देखो इधर से अंकन कर रहे हैं, तो इसको भी एक मिलता है, इसको भी एक मिलता है, तो अंकन डबल बंद की कभी अहमियत नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ से समान है, यहाँ पर दोनों हैं, दोनों को इधर से करेंगे। अब इधर से करें तो इसको कम अंक मिलता है, तो यहाँ पर अंक इधर से होगा एक दो तीन और आपके चार, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि इधर से इधर भी डबल बंद है, इधर भी डबल बंद है, तो ये बात तो किसी किधर से अंकन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे सीएल आ रहा है, तो सीएल को कम से कम अंक मिलने चाहिए। अब देखो नाम लिखते इसका, तो प्रतिस्पर्धी का नाम, तो यहाँ पे टू और आपका ये आएगा, इसमें आपका क्लोरो टू क्लोरो, ठीक है। उसके बाद देखिए आप टू क्लोरो, और उसके बाद में आएगा आपका कि अब हम बता कितने, एक दो तीन चार कार्बन का आएगा आपका ब्यूट, फिर आएगा आपका ब्यूट आएगा। अब हमें बताना है कि देखो एक पर भी है दो पर भी है, तो यहाँ पर आएगा आपका वन और आपके टू, क्या आएगा वन और टू पे कितने इन है, दो इन है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपका हाइपन, और यहाँ पर आएगा आपका डाई और इन, बोलो कोई दिक्कत नाम नहीं, क्योंकि जब एक कार्बनिक श्रृंखला में दो दो डबल बंद आते हैं, अगर दो डबल बंद आते हैं, तीन आते हैं, तीन के लिए क्या करते हैं ट्राई का उपयोग करते हैं, चार के लिए टेट्रा का उपयोग करते हैं, पांच के लिए पेंटा का उपयोग ही करते हैं, तो यहाँ पर दोनों की और कहाँ पर आएगा, इसका ब्यूट के बाद में आएगा, इसके बाद में आएगा और ब्यूट के बाद में इसका एक नाम हो सकता है, उसमें एक नाम यहाँ पे टू क्लोरो टू क्लोरो, उसके बाद में आएगा आपका अगर मैं करता हूँ वन हाइपन वन और टू, और यहाँ पर आपके करता हूँ ब्यूटा, यहाँ पर रहेगा आपका, अगर इन दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ डाई के बाद में ये सो, तो वन टू आपका रहेगा ब्यूटा, क्या रहेगा ब्यूटा, ध्यान रखना अगर वन टू को पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्यूटा करना पड़ेगा, वन टू ब्यूटा, उसके बाद में आएगा आपका एक नहीं आएगा, अगर एक होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वन टू ब्यूटा, और यहाँ पर रहेगा आपका डाई और आपका ये इन, ये नाम भी सही है आपका, ये दोनों नाम आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आप संरचना बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे बना के देखें, चार कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन, और यहाँ पर आएगा वन टू इन, एक दो तीन चार वन टू पे, तो यहाँ पर वन टू पे डबल वन, और यहाँ पर डबल वन, ठीक है। इसी प्रकार टू पे क्लोरो, यहाँ पे सी एल, इसकी वजह से यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पर आपका एच आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आपका एच टू आएगा, ये बन जाएगी, कोई दिक्कत इस प्रकार, इस प्रकार कोई दिक्कत, जब डबल जब इन के अंदर जब एक ही श्रृंखला के अंदर दो डबल वन दिखते हैं, तो लास्ट में उसको बताना पड़ेगा कि दो है तो डाई करना पड़ेगा, तीन है तो ट्राई करना पड़ेगा, चार है तो क्या करना पड़ेगा टेट्रा करना पड़ेगा, पांच है तो पेंटा, इस प्रकार जो भी है इस प्रकार हम कर सकते हैं। और देखो उदाहरण, जितने उदाहरण करेंगे उतना ही आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा हमारा सरल हो जाएगा, ठीक है। और देखो उसके बाद में एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल चिपका दिया, यहाँ पर डबल चिपका दिया, और यहाँ पर मैंने डबल चिपका दिया, और यहाँ पर आपका मैंने डबल चिपका दिया, और यहाँ पर आपका एच टू, देखो इसकी दो इसकी रहेगी, यहाँ पर इसकी एच आएगा, इसकी एच,
और सी चार हो जाएगी इसकी कंप्लीट, तो कोई एक दो तीन चार कंप्लीट। इसकी देखिए हम इसकी जाएगी यहाँ पर एच आएगा और इसकी यहाँ पर सी एल चिपका देगा, क्या चिपका दिया आपने सी एल चिपका दिया, यहाँ पर आएगा आपका सी एल और ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका एच टू। देखो इधर सर कितने हैं, एक दो तीन चार हैं, बोलो ये तो बात फिक्स थी कि ए ने। अब अंकल की दृष्टि करें, इधर से करते हैं इसको एक मिनट रहा है, इधर से करते हैं इसको एक मिनट रहा है, इधर से इसको एक दो तीन मिनट रहे हैं, इधर से इसको एक दो तीन मिनट रहे हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो यहाँ पर समान है तो इसको सी एल को मान लो इसमें, क्योंकि इसको कम से कम मिलना चाहिए यहाँ पर। तो एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब चिपका दो इसका नाम, तो यहाँ पे आएगा टू क्लोरो, टू क्लोरो, ठीक है टू क्लोरो, उसके बाद में क्लोरो का काम कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद में एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो सात के लिखते हैं हेक्स, लिखते हैं हेप्टेन, तो यहाँ पर आएगा आपका हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद देखिए वन, क्योंकि वन पे है तो यहाँ पर आएगा आपका ये हाइफन वन, फिर दो पे नहीं है तीन पे है तो यहाँ पर आएगा कोमा थ्री, फिर चार पे है तो यहाँ पे आएगा कोमा चार, उसके बाद पांच पे नहीं है तो पांच पे नहीं है, फिर छह पे है तो यहाँ पर आएगा आपका छह, ठीक है। कोई दिक्कत कितने हैं टोटल, टोटल कितने हैं चार है, तो यहाँ पे टेट्रा क्या आएगा आपका टेट्रा आएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आपका टेट्रा, इसके बाद कितने हैं टेट्रा क्या है टेट्रा आपका ई, और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या इतने में कोई दिक्कत हो, इस प्रकार आप नाम सकते हैं इसकी संरचना। ये इसका आई किस नाम है, आई यू पी ए सी नाम है ये संरचना, फिर इसकी संरचना बना सकते हैं। अगर इसकी संरचना कैसे बनाओगे आपने, इसकी संरचना आप कैसे बनाओगे, देखो जरा ये गिनती यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, हेल्प पे एक कार्बन दो तीन चार पांच छह सात, उसके बाद में यहाँ पर देखिए अंक लिखते हो एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, और यहाँ पे देखो एक पे डबल वन, तीन पे डबल वन, चार पे डबल वन, छह पे डबल वन, ठीक है टू पे सी एन, ये बन जाएगा यहाँ पर आपकी एस टू रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर एच चिपका दो, यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर आपके एच आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर भी एच आएगा, ठीक है और यहाँ पर आएगा आपका। इस प्रकार आए आईपीसी नाम एल्किन का नामांकन कर सकते हैं। अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आप क्या रहेगा आपका घंटा हो जाएगा, दिक्कत इसमें इसमें किसी को समय से बोलिए आप आईपीसी नाम। आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि एल्काइन का नामांकन आईपीसी नाम किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है।